हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम मॉडल वर्ब सीखने जा रहे हैं। मॉडल वर्ब बारीकी से समझे, पार्ट टू। पार्ट वन में हमने क्या देखा था? पार्ट वन में हमने देखा था शुड प्लस हैव, शुड प्लस हैव, शुड प्लस हैड, ये हमने देखा था। अब पार्ट टू में हम क्या देखेंगे कि पार्ट वन में जैसे कि आपके पास टैलेंट होना चाहिए, यू शुड हैव टैलेंट, आपके पास डिग्री होनी चाहिए थी तो यू शुड हैव हैड अ डिग्री। मगर अब हम बात करते हैं पहले हमने बात की थी शुड प्लस हैव, हैव यानी पोजीशन, पर अब इस वीडियो में हम बात करेंगे शुड प्लस बी, बी बीन, ओके, हैव बीन। तो ये बात होगी स्टेट ऑफ बीइंग की, यानी आपको वकील होना चाहिए, आपको डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए था, आपको गोवा में नहीं होना चाहिए था, इस वक्त आपको अपने पिताजी के पास होना चाहिए था। तो इन सारे सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह बोलते हैं, किस तरह इसके रूल्स और रेगुलेशन किस तरह होते हैं, ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग, आप पहले जान लीजिए शूट क्या है। मुझे पता है, मैंने ये वीडियो में बताया था आपको, शूट यानी किसी को सलाह देना। शूट सिंपली मीनिंग होता है, दूसरा उसका कोई कहीं इस्तेमाल नहीं होता। शूट का सिंपली मीनिंग होता है सलाह देना। यू शुड ड्रिंक मिल्क, महेश शुड हैव अ बाइक, और अनिल शुड बी इन अमेरिका, ओके, ये हो गया शूट। पर हम बात करने वाले हैं बी की। बी क्या होता है? शुड बी और शुड हैव बीन। तो सर दोस्तों, बी क्या है? बी है स्टेट ऑफ बीइंग, बी है स्टेट ऑफ बीइंग, और स्टेट ऑफ बीइंग में ये आता है। देखिए, ये सारी चीज़ें स्टेट ऑफ बीइंग में आते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। स्टेट ऑफ बीइंग में 8 चीज़ें आती हैं। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब आता है होना, किसी जगह पर, किसी स्थान पर, किसी पोजीशन पर होना, उसे हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है मैं घर पर हूँ, तो आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, ही इज़ इन हॉस्पिटल, वो अस्पताल में है। देखिए, पोजीशन बता रही है, यहीं पर स्टेट ऑफ बीइंग में सिर्फ पोजीशन बताया जाता है, दूसरा एक्शन नहीं बताया जाता दोस्तों। ये याद रखिए कि स्टेट ऑफ बीइंग में सिर्फ पोजीशन बताया जाता है, एक्शन नहीं बताया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। वी आर इन ताजमहल, हम ताजमहल में हैं। हम लोग बिहार में थे, हम लोग सिनेमा हॉल में थे। आई वॉन्ट टू बी ए प्राइम मिनिस्टर, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। देखिए, थे कहाँ थे, किसी स्थान पर थे, क्या बनना है, एक चीज़ बनना है, एक पोजीशन पर जाना है, कुछ चीज़ बनना है। शी इज़ बीइंग सिली राइट नाउ, वो एक सिली बन रही है, बेवकूफ़ बन रही है, ज़्यादा स्मार्ट बन रही है। आई हैव बीन टू सिंगापुर, मैं सिंगापुर गया था, मैं सिंगापुर जाके आया हूँ, ओके। तो कहीं भी किसी भी जगह पे आपको सिचुएशन पे, स्थान या पोजीशन बताना, तो उसके लिए हम स्टेट ऑफ बीइंग, और स्टेट ऑफ बीइंग में ये सारी चीज़ें आती हैं। और शुड प्लस बी के साथ हम लोग इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे आपको मैं बताता हूँ। देखिए, और एक बार मैं बताना चाहता हूँ, बी शुड हैव, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब सिर्फ स्थान बताना होता है, ना एक्शन बताना होता है, ना ही पोजीशन बताना है। महेश शुड बी एट होम, महेश को घर पर होना चाहिए। अब्दुल शुड बी एट स्कूल। वी शुड बी इन हॉस्पिटल, हमें अस्पताल में होना चाहिए। यू शुड बी विद मी, आपको मेरे साथ होना चाहिए। देखिए, हर तरफ महेश शुड बी कहाँ पर होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए। चाहिए का मतलब दोस्तों ये समझिए, चाहिए हर बार चाहिए 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 तो बहुत बार आता है, हमको सबको चाहिए, पर चाहिए का मतलब यहाँ पर क्या होता है, किसी स्थान पर चाहिए, ओके। महेश शुड बी एट स्कूल, अब्दुल शुड बी एट स्कूल, वी शुड बी इन हॉस्पिटल, ये समझने की कोशिश करिए कि स्टेट ऑफ बीइंग है क्या और बी का मतलब क्या हो रहा है। बी का मतलब है किसी स्थान पर होना। यू शुड बी विद मी, आपको मेरे साथ होना चाहिए। यू शुड बी नॉट विद अनिल, आपको अनिल के साथ नहीं होना चाहिए। दिस इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यू शुड नॉट बी ओवर हीयर, और यू शुड नॉट बी हीयर, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। स्टिल कन्फ्यूज दोस्तों, अगर आप कन्फ्यूजन है, आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि हमने अभी देखा, महेश शुड बी एट होम, महेश को घर पर होना चाहिए, महेश को घर पर होना चाहिए, महेश शुड बी, इसका ट्रांसलेशन बाजू में है दोस्तों। ट्रांसलेशन में नहीं बताऊंगा, ट्रांसलेशन बताने जाएंगे तो हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको ट्रांसलेशन चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट पाड़ के आप फिर से ये सुनिए, ओके। तो ट्रांसलेट बताने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते हैं हम लोग। शुड बी, महेश शुड बी एट होम, महेश को घर पर होना चाहिए। पर अगर हमको ऐसा कहना है, महेश को घर पर होना चाहिए था, तो महेश शुड हैव बीन एट होम,
महेश शुड हैव बीन एट होम. देखिए होम के लिए जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा बता दिया, चिन्ह दिया है, आइकॉन दिया है. तो शुड हैव बीन, महेश को घर पर होना चाहिए था. महेश शुड हैव बीन एट होम. अब्दुल शुड बी एट स्कूल. अब्दुल शुड बी एट स्कूल. अब्दुल को घर पर स्कूल पर होना चाहिए. अगर हमको कहना अब्दुल को स्कूल पर होना चाहिए था, वो नहीं है. उसके अब्बा जाते हैं अब्दुल को ढूंढने के लिए, पर अब्दुल तो स्कूल में नहीं है, वो बाहर घूम रहा है. ओके, तो क्या कहेंगे हम? अब्दुल को तो स्कूल पर होना चाहिए था, तो अब्दुल शुड हैव बीन एट स्कूल. वी शुड बी इन अ हॉस्पिटल. हमें अस्पताल में होना चाहिए, पर अस्पताल की जगह हम सिनेमा में हैं. तो क्या कहेंगे हम? हमको तो अस्पताल में होना चाहिए था. वी शुड हैव बीन इन हॉस्पिटल. यू शुड बी विद मी. आपको मेरे साथ होना चाहिए, पर आपको मेरे साथ होना चाहिए था. यू शुड हैव बीन विद मी. यू शुड नॉट विद अनिल. यू शुड नॉट विद, यू शुड नॉट बी विद अनिल. यू शुड नॉट बी विद अनिल. यू शुड नॉट हैव बीन. यू शुड नॉट हैव बीन विद अनिल. दिस इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया. यू शुड नॉट बी हियर. दिस इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया. यू शुडंट हैव बीन हियर. यू शुड नॉट हैव बीन हियर. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब हम बात करते हैं शुड प्लस बी प्लस आई एन जी. जब हम किसी से कहते हैं ना कि सचिन को तो खेल रहा होना चाहिए, सचिन को तो खेल रहा होना चाहिए, विराट को भी खेल रहा होना चाहिए, सहवाग को खेल रहा होना चाहिए. वर्ब आई एन जी. यहाँ पर शुड प्लस बी प्लस आई एन जी, वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगाएंगे वर्ब के बाद. तो यू शुड प्ले, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यू शुड प्ले, आपको खेलना चाहिए. सिंपली हम बोल रहे हैं कि आपको खेलना चाहिए, पर अगर आपको ऐसा कहे तो आपको खेल रहा होना चाहिए. आपको खेल रहा होना चाहिए, मैं सलाह दे रहा हूँ आपको, आप बैठिए मत, आपको तो खेलते रहना चाहिए, आपको अभी तो खेल रहा होना चाहिए, आप कैसे आउट हो गए. तो यू शुड बी प्लेइंग, आपको खेल रहा होना चाहिए. यू शुड ईट, आपको खाना चाहिए. यू शुड बी ईटिंग नाउ, आपको खा रहा होना चाहिए. यू शुड स्विम, आपको तैरना चाहिए. यू शुड स्विम, आपको तैरना चाहिए. यू शुड बी स्विमिंग राइट नाउ, आपको तैर रहा होना चाहिए. सचिन शुड प्ले, सचिन को खेलना चाहिए. ओके, पर सचिन को खेल रहा होना चाहिए, तो सचिन शुड बी प्लेइंग नाउ. सचिन शुड बी प्लेइंग नाउ. अब बात करते हैं पैसिव की. बात करते हैं दोस्तों, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव. पैसिव जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता उसको हम बोलेंगे पैसिव. जैसे कि अवार्ड को दिया जाना चाहिए, पर किसे, किसके द्वारा, ये नहीं है. किसे या किसी के द्वारा, ये कुछ नहीं है. तो किसे अवार्ड देना चाहिए और किसके द्वारा देना चाहिए, कुछ नहीं. तो हम क्या लें, अवार्ड शुड बी गिवन, पुरस्कार दिया जाना चाहिए. अवार्ड शुड बी गिवन. देखिए गिव आता है, गिव गेव गिवन. गिवन की गिव की थर्ड फॉर्म दिए हमने, शुड हैव प्लस गिवन. महेश शुड बी सेंट अमेरिका. महेश को अमेरिका भेज दिया जाना चाहिए. महेश को अमेरिका भेज देना चाहिए या दिया जाना चाहिए. महेश शुड बी सेंट टू अमेरिका. अमर शुड बी सेंट टू जेल. अमर को जेल भेज देना चाहिए या दिया जाना चाहिए. अमर शुड बी सेंट टू जेल. एप्पल शुड बी ईटन एवरी डे. सेब को रोज़ खाया जाना चाहिए. एप्पल शुड बी ईटन एवरी डे. अगर अब क्या होगा कि एप्पल शुड बी ईटन एवरी डे, एप्पल को सेब को रोज़ खाया जाना चाहिए. अगर हम इसकी जगह पर ये कहते हैं कि सेब को रोज़ खाया जाना चाहिए था, डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया था कि आप रोज़ एप्पल खाइए, पर उसके बाद हमको पता चलता है, डॉक्टर को पता चलता है कि पेशेंट एप्पल नहीं खा रहा है कितने दिनों से. तो अगर डॉक्टर क्या कहेगा पेशेंट से या उसके रिलेटिव से कि एप्पल को रोज़ खाया जाना चाहिए था, पर आपने ये फॉलो नहीं किया, इसके आपकी तबीयत में सुधार नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि एप्पल शुड हैव बीन ईटन एवरी डे. एप्पल शुड हैव बीन ईटन एवरी डे. देखिए शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे कि हमने आगे देखा कि अवार्ड शुड बी गिवन, अवार्ड दिया जाना चाहिए, पुरस्कार दिया जाना चाहिए, पर पुरस्कार नहीं दिया गया. अगले दिन जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि पुरस्कार तो कल दिया जाना चाहिए था पर नहीं दिया गया, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, अवार्ड शुड हैव बीन गिवन. महेश शुड हैव बीन सेंट टू अमेरिका. महेश को अमेरिका भेज दिया जाना चाहिए था, नहीं भेजा गया, घपला हो गया. अमर शुड हैव बीन सेंट टू जेल. अमर शुड हैव बीन सेंट टू जेल. अमर को जेल भेज दिया जाना चाहिए था. एप्पल शुड हैव बीन ईटन एवरी डे. सेब को रोज़ खाया जाना चाहिए था. देखिए सेब को रोज़ खाया जाना चाहिए था. हालांकि हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर अगर रस्ते में आ रहा है तो ले लेना चाहिए. ये सब ज्ञान भी लेना, बटोरना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम एडवांस लेवल पर जा रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल पर जा रहे हैं. पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि दोस्तों आप
स्टेट ऑफ बीइंग समझने की कोशिश करिए। स्टेट ऑफ पोजीशन आपने समझा, जिसमें तीन चीज़ें आती हैं, हैव, हैज और हैड, और स्टेट ऑफ बीइंग में ये सब चीज़ें आती हैं। इतनी चीज़ें आप याद रख लेंगे तो ये सेंटेंस बनाने में चुटकियों का काम हो जाएगा आपका, चुटकियों का काम हो जाएगा। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग। देखिए मैं एक आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आप कहीं पर चले गए किसी को बिना बताए, तो आपकी मम्मी या आपके पिताजी आपको फ़ोन करके पूछेंगे कि बेटा तुम कहाँ हो, तो वो नहीं पूछेंगे आपने खाना खाया नहीं खाया, ये कुछ नहीं पूछेंगे, सिंपली आपको पूछ रहे हैं कि भाई आप कहाँ हो, आपका लोकेशन बताइए, कौन से लोकेशन पे हो, कब से आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, आप बिना बताए कहाँ चले गए, तो वेयर आर यू, देखिए यहाँ पर आर आ गया। तो स्टेट ऑफ बीइंग में क्या है, कभी भी किसी सी पोजीशन पूछने के लिए हम स्टेट ऑफ बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, और ये शुड हैव बीन, शुड बी भी स्टेट ऑफ बीइंग से ही बने हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये सीख जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई आपको परेशानी है इसके, ये सब्जेक्ट के रिलेटेड, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा इसको सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं 500 लाइक्स चाहता हूँ, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, गुड डे, हैव अ गुड डे, बाय।